नमस्ते, वाओ क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर किसी व्यक्ति के नाक के अंदर सीटी जैसी आवाज आती है या सांस लेने पर बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस होती है, सांस लेते हैं तब इस एरिया के अंदर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चुभ रहा है, कुछ बज रहा है, तो इसका मतलब यह समस्या आपको है। आज इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। कोई समस्या आपको होती है तो क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे, इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं और किस तरह की सावधानी आपको रखनी चाहिए। नाक से सीटी की आवाज, यह समस्या ज्यादातर बच्चे और बूढ़ों के अंदर होती है। बच्चों के साथ थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम होते ही उनके नाक में से आवाज आने लगती है, नाक में से बबल बनने लगते हैं। अगर नाक में से ज्यादा गंदगी बढ़ने लगती है तो सांस की तकलीफ होने लगती है और इस प्रकार से जब बच्चा सांस लेता है तो आवाज आती है। इसी तरह से अगर कोई बूढ़े व्यक्ति होते हैं तो उनके नाक में से भी सीटी की आवाज आने लगती है। ये बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है। कोई भी व्यक्ति अगर बात करता है तो भी ऐसा लगता है कि नाक में से भी आवाज निकल रही है। समस्या आजकल सभी को होने लगी है क्योंकि बहुत ही ज्यादा सर्दी जुकाम होने लगा है या फिर किसी का इम्यूनिटी सिस्टम अगर खराब होगा तो भी इस प्रकार की बीमारी होने लगी है। बहुत सारे लोगों को साइनस होता है जिसके कारण भी सीटी जैसी आवाज आती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे अगर आपके साइनस के अंदर ब्लॉकेज आने लगा है तो आपको इस प्रकार की आवाज आएगी। जब आप बोलेंगे तो भी आपको आवाज आएगी, जब आप सांस लेंगे तो भी आपको आवाज आती रहेगी। साइनस का जो एरिया होता है वो हमारे आंख के यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया होता है। अगर उनके अंदर किसी नसों के अंदर ब्लॉकेज आने लगा है तो इस प्रकार से सीटी जैसी आवाज आएगी। नेजल पार्ट का ब्लॉक होना, जैसे अगर आपके नाक की नलियों के अंदर जो जिससे आप श्वास लेते हैं फेफड़ों तक आपके ऑक्सीजन पहुँचता है, बस सिर्फ और सिर्फ नाक के द्वारा आप श्वास लेते हैं उसके द्वारा ही पहुँचता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन नेजल पैथ के अंदर ब्लॉकेज आने लगे हैं या फिर वहां पर ज्यादा कफ बढ़ने लगता है जिसके कारण भी ये समस्या होने लगती है कि नाक के अंदर सीटी जैसी आवाज आएगी। आपका पूरा नाक का जो रास्ता होता है वो फेफड़े तक पहुंचता है, उसी के द्वारा सांस ली जाती है। अगर आपके सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है तो इसके पीछे यह कारण भी हो सकता है कि आपके नेजल पैथ के अंदर पूरा ब्लॉकेज हो रहा है या वहां पर कहीं ना कहीं कफ भर रहा है या कहीं ना कहीं कोई समस्या हो रही है। नाक के अंदर या फिर नाक के आसपास म्यूकस का ज्यादा जमना, यानी म्यूकस वही है जिसे हम कफ बोलते हैं। कफ क्या होता है कि बहुत बार सर्दी जुकाम ज्यादा लगने के कारण, ठंडी के कारण आपके ज्यादा नाक के अंदर भरने लग जाएगा। पहले नाक के अंदर भरेगा, फेफड़ों तक पहुंचेगा, गले के संक्रमण होंगे और फिर पूरे फेस के यहाँ पर एरिया में भर जाता है जिसके कारण आपको सूजन जैसा लग सकता है, दर्द महसूस हो सकता है, सिर भारी हो सकता है, कान के पीछे दर्द हो सकता है या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि जब आप प्रेस करते हैं तो भी आपको दर्द होता है। ज्यादा म्यूकस जमने के कारण भी इस प्रकार से सीटी जैसी आवाज आने लगती है और कोई भी ऐसा उपाय नहीं बना है जो 100% उसको ठीक कर दे। जैसे नाक में से सीटी की आवाज निकल रही है या कुछ भी बोलते समय इस प्रकार से आवाज आ रही है तो ये समस्या बढ़े नहीं, उसके लिए आप पहले से सतर्क रहे, उसके लिए सर्दी जुकाम को ना होने दे, कफ को ना जमने दे, अपनी दिनचर्या को ना बिगड़ने दे। जैसे अगर किसी व्यक्ति का नेजल पैथ ब्लॉक हो चुका है या उसके अंदर कफ भर चुका होता है तो नाक को पूरी तरह से खोलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पूरी श्वास नली अगर आपकी खुली हुई नहीं होगी, उसके अंदर ब्लॉकेज होंगे तो आपको अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि सांस की तकलीफ बढ़े, अस्थमा जैसी बीमारी हो, निमोनिया तक हो, तो आप क्या करें, रोजाना ही सोते समय पे बादाम रोगन ऑयल आता है उसकी 2 बूंद अपने नाक के अंदर डालकर सोए। ऐसा करने से नाक की जो पूरी नसें होती है वो पूरी तरह से खुल जाएगी, श्वास नलियां पूरी तरह से खुल जाएगी और अगर आपको इसके कारण सिर दर्द होता है, माइग्रेन की समस्या है तो उसमें भी आराम आएगा। इस तरह से 1 या 2 बूंद नाक में डाल दीजिए जिससे कि आपकी पूरी की पूरी सांस नली खुल जाएगी। इसी के साथ में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, लेकिन नाक की समस्या वाले लोगों को बहुत समस्या होती है कि वो अनुलोम विलोम प्राणायाम सही ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि अगर नाक बहेगा तो भी वो सही नहीं कर पाएंगे, अगर नाक जाम होगा तो भी वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपसे जितना हो सकता है हल्के हल्के से आपको धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, जिसे करने के बाद आपकी श्वास नली के अंदर ब्लॉकेज होगा तो वो अपने आप खुलने लग जाएगा। इस चीज को आपको जरूर करना है, चाहे आपको सर्दी जुकाम भी क्यों ना लगा। अगर आपके म्यूकस जम चुका है, पूरे एरिया में कफ भर चुका है या फिर श्वास नली के अंदर भी कफ भर चुका है तो स्टीम आप जरूर लीजिए।
स्टीम लेने से क्या होता है कि गरम गरम भाप लेने से आपके अंदर तक कफ जमा होता है, तो उसको वो निकालता है, पिघलाता है। तो इसलिए आप क्या करें, जब भी आपको समय मिलता है दिन में 2 या 3 बार, सोते समय, सुबह उठते समय, जब भी आपको समय मिल जाए स्टीम जरूर लीजिए। आप यहाँ पर किसी भी प्रकार की अगर स्टीम लेंगे तो आपके नाक के अंदर श्वास नली में कफ जमा होगा, उसको आप सही कर पाएंगे। ये सारे ही तरीके नेचुरल है, इसके लिए आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन उपायों को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको आराम मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोई दवाई ले लो और जल्दी से आराम मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे वीडियो के अंदर आपको ऐसे ही उपाय मिलेंगे जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप उसको क्योर कर पाएंगे और आगे ये समस्या आपको फिर नहीं होगी। तो आप जितनी बार स्टीम ले सकते हैं स्टीम लीजिए। स्टीम लेने से नाक के अंदर नलियों में सूजन आ रही होगी, कफ बढ़ चुका होगा, तो आराम मिलेगा। और अगर आपके फेफड़ों में भी संक्रमण पहुंच चुका होगा तो उसको वो बिल्कुल सही करेगा। साइनस वालों के लिए स्टीम लेना काफी ज्यादा यूजफुल होता है। अगर आपको साइनस की समस्या है, नाक के द्वार, नाक के आसपास कफ भरा हुआ रहता है, सांस की तकलीफ रहती है, तो स्टीम को आप जरूर किया कीजिए। स्टीम लेने से ही आपको काफी आराम मिलेगा। साइनस के अंदर ब्लॉकेज आ गए हैं, जैसे कि यहाँ पर पूरे एरिया के अंदर ब्लॉकेज आ रहे हैं जिसके कारण सीटी की आवाज आ रही है, तो आप क्या करें? तो मैंने साइनस वाले एक वीडियो में बताया था कि सरसों को तेल को थोड़ा गर्म करिए और इस एरिया की आपको अच्छे से मसाज करनी है। तो इस तरह से हाथों को रख सकते हैं, इस तरह से फिंगर को रख सकते हैं और अच्छे से आप नाक की हड्डी की मसाज करिए, जिसे करने से एक्यूप्रेशर पॉइंट दबेगा और यहाँ के एरिया में अगर कफ भरा होगा तो पिघल जाएगा, साफ हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सारे उपाय तो ऐसे हैं जो आपको ऊपरी करने हैं, लेकिन हमेशा अगर आप अंदरूनी उपाय भी करते हैं तो आपको जल्दी आराम मिलता है, आप जल्दी एक्टिव हो पाते हैं। तो यहाँ पर हम एक घी बनाएंगे, जिस पानी को बनाना बहुत आसान है। यह पानी आपकी सर्दी जुकाम को सही करेगा, साइनस में आराम पहुंचाएगा, अगर आपके कफ बहुत भरा हुआ होता है तो उसको सही करेगा, आपके नाक संबंधी अगर समस्या होगी तो उन सबको वो बिल्कुल क्योर करेगा। आपको 1 कप पानी लेना है, उसके अंदर ताजा तुलसी की 2 या 4 पत्तियां डाल देनी है, चुटकी पर हल्दी पाउडर डाल देना है, उसी में आपको थोड़ा सा गुड़ डाल देना है, उसी में आपको थोड़ा सा अदरक का रस डाल देना है, या फिर अदरक की ऐसे स्लाइस करके भी डाल सकते हैं। अगर तुलसी नहीं है ताजा तो तुलसी का ड्रॉप डाल सकते हैं। इस पानी को आप थोड़ा बॉइल कर लीजिए और 1 कप पानी का 1/2 कप पानी रह जाए तब आप इसे सुबह सुबह लीजिए। अगर आपको नाक संबंधी कोई समस्या होगी, सांस संबंधी कोई समस्या होगी, या फिर आपको अस्थमा होने ही जा रहा होगा, तो उसमें काफी आराम पहुंचेगा। सर्दी के मौसम में तो इसे आप जरूर लीजिए ताकि अस्थमा आपको ना होए, और अगर अस्थमा भी किसी को है तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बीमारियों को सही करती है। संबंधी किसी प्रकार की अगर समस्या रहती है तो तुलसी की ड्रॉप वाला पानी पीने से भी आपको आराम मिलता है। अदरक आपके पाचन क्रिया को मजबूत करता है, सांस संबंधी तकलीफ को सही करता है, आपके अगर सूजन आ रही होगी, कफ भर चुका होगा, तो उसको वो बिल्कुल सही करेगा। गुड़ और हल्दी एंटीबायोटिक का काम करेंगे, साथ में ही दर्द और सूजन को कम करेंगे, कफ को भी नहीं जमने देंगे। तो सर्दी जुकाम हो या नाक की कोई समस्या हो या फिर इस प्रकार से कफ जम रहा हो या फिर सीटी की आवाज आ रही हो, इस काढ़े को आप बनाकर लीजिए अगर आपको ये समस्या होती है। अगर बहुत ही छोटे बच्चे हैं और उनको इस प्रकार की समस्या हो रही है तो आप उनको 1 या 2 चम्मच इस पानी को पिला सकते हैं, नाक की मसाज कर सकते हैं, नाक के अंदर ड्रॉप डाल सकते हैं, जिससे बच्चों को सर्दी जुकाम में आराम मिलेगा और उनको इस प्रकार की समस्या होगी नहीं कि सीटी की आवाज आए। तो ये छोटे छोटे से उपाय अगर आप करते हैं तो आपकी सीटी की आवाज को आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। सीटी की आवाज अगर आपको आए तो इन उपायों को करें, और अगर फायदा मिला है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।